हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर BSF के अंदर रिक्रूटमेंट निकला है आपका नया, जिसके अंदर ASI हेड कांस्टेबल और आपका कांस्टेबल तीनों की वैकेंसियाँ हैं और 10th पास और IT वाले छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कौन सी ट्रेड वाले भर सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। सैलरी एज फुल डिटेल्स आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट आए तो बस डाउनलोड टेप ओपन करें और अपने सवाल की फोटो खींचे और क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी डाउनलोड टेप के साथ तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हो। साथ ही डाउनलोड टेप पर आप पा सकते हो NDNA का इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स में आपको NDA की रिटर्न एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही नेवी SSR AA और एयरफोर्स अक्स ग्रुप की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सोल्विंग, नोट्स, क्विज, पिछले सालों के पेपर और बहुत कुछ। तो आज डाउनलोड टेप इंस्टॉल कीजिए और NDNA का कोर्स परचेज कीजिए और अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपका DG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जारी किया गया है। अब दोस्तों, ये ऑफिशियली वेबसाइट BSF के ऊपर नहीं आया है अभी, ये DVPT के द्वारा यहाँ पर ये जारी किए जाते हैं, पहले ही आपके डिफेंस का जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये आया है अभी। आपका इसमें रोजगार समाचार पत्र में ये आएगा, उसके बाद में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है, अब जस्ट आपका एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपका ASI DM ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है, हेड कॉन्स्टेबल कारपेंटर और प्लम्बर की वैकेंसी, कारपेंटर की 4 वैकेंसी और प्लम्बर की 2 वैकेंसी, जिसका आपका सैलरी रहने वाला है 25,500। लेवल 4 से बेसिक आपका स्टार्ट होगा, लगभग आपका सैलरी 35,000 से 40,000 बन जाएगा। ASI की बात करें तो इसमें आपका 29,200 से स्टार्ट होगा, तो लगभग आपका 40,000 के अराउंड आपका सैलरी इसमें भी बन जाएगा। इसके बाद में आपका जो कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका स्विमरमैन है, जनरल ऑपरेटर की है, जनरेटर ऑपरेटर की है और जनरेटर मैकेनिकल की है और लाइनमैन की यानी कि इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है। लाइनमैन की 11 वैकेंसी है टोटल और आपका जनरेटर मैकेनिकल की 28 वैकेंसी है, जनरेटर ऑपरेटर की 24 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों कांस्टेबल की। तो ज़रूर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो ज़रूर फॉर्म भरें। और इसके लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता दूँ, 10% इसमें सर्विसमैन का रहेगा कोटा और 14 से 15% फॉर वुमेन कोटा रहेगा। तो यानी कि जिन लड़कियों के पास RTI आपका जो ITI है वो ज़रूर इस फॉर्म को भरे, क्योंकि उनको एक स्पेशल कोटा इसमें दिया जा रहा है और कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहने वाली है, खास करके फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये आप ध्यान दें। और आपका इसमें 21,700 लेवल 3 का आपका बेसिक स्टार्ट होगा, तो लगभग आपका सैलरी 30,000 के अराउंड आराम से बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके ऑनलाइन से भरे जाएंगे, जो आपका ये रोजगार समाचार पत्र के अंदर आएगा, उसके बाद में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसे ही आएगा अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। आपका सर्कुलर डेट आपको वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके साथ जारी किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। फिलहाल बात करें हम योग्यता की, तो जो ASI की पोस्ट है इसके लिए आपका रखा गया है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा किसी के पास है सिविल के अंदर, ड्राफ्टमैन सिविल का, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है तो 10वीं पास प्लस डिप्लोमा। इसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर और प्लम्बर की जो वैकेंसी है, इसमें आपकी 10वीं पास प्लस IT और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है कारपेंटर और प्लम्बर के लिए। इसके बाद में जो आपका और जो पोस्ट हैं इसमें दोस्तों आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कुछ के अंदर मांगा गया है। तो यहाँ पर हम देखें स्विमरमैन की जो वैकेंसी है, मैट्रिक्स पास यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए और यहाँ पर आपका योग्यता होनी चाहिए। उसको जो ट्रेड टेस्ट है वो स्विमरमैन का होगा, वो ट्रेड टेस्ट करने के लिए वो यहाँ पर आपका क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जनरेटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, इसके अंदर 10वीं पास प्लस आपके इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल और मोटर मैकेनिकल के कैंडिडेट है वो भर सकते हैं, बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। वो आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, कोई भी और आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात करें हम जनरेटर मैकेनिकल की, तो इसमें आपका जो है वो रखा गया है 10वीं पास प्लस डीजल और मोटर मैकेनिकल के अंदर आपका ITI होना चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस स्टेट और गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या आपका रजिस्टर्ड जो है उनके अंदर होना चाहिए। इसके बाद में कांस्टेबल लाइनमैन की जो वैकेंसी है, ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैट्रिक्स पास प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन के लिए, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया। तो सिंपली है
कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आसानी से इसमें जॉब पा सकते हो, और फीमेल कैंडिडेट है वो भी इसमें आसानी से जॉब पा सकती है अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो। 18 से लेकर 25 साल एज सभी का रखा गया है। इसमें अलग से यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है, वो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें जारी किया जाएगा। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो सारी चीज़ें आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आएगा, बाकी पेपर बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और सारे डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे जैसे अपडेट आएगा आपके साथ मिलता रहेगा। और कमेंट करके जरूर सजेशन करें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।